जय श्री राम। राम जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात विभीषण? कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई सारे चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अब तक के सभी चमत्कारों में सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? क्या सच में लंका के राजा विभीषण अपने मित्र राम से अयोध्या पहुंचे हैं? क्या विभीषण आज भी जीवित है? ऐसे कई सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप राम जी के सच्चे भक्त हैं तो प्लीज कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का बेहद बेसब्री से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का विशेष महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। आगे वीडियो में जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे कि कैसे अयोध्या में विभीषण प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप मूर्ति को जीवित करने को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए ही मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात अब प्रभु श्री राम जी साक्षात अयोध्या में वास करने वाले हैं। और एक बार पुनः जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या आने वाले हैं तो उनके प्रिय मित्र और भक्त विभीषण कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए जब वो फिर से अयोध्या लौटे थे, तब प्रभु श्री राम जी के साथ विभीषण भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। और इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी प्रभु श्री राम जी की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई है। यानी जो राम जी के शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है? इसकी जानकारी आपको आगे दी जाती है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सशरीर जीवित हैं। इसमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, पशुराम, मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवियों में शामिल हैं। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी ना बढ़े, और विभीषण भी इन्हीं चिरंजीवियों में से एक है और जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन यह वरदान आखिर उन्हें किसने दिया, ये बड़ा जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्म परायण रहे। वे अपने भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों का विरोध भी करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा तो एक बार फिर से भगवान विष्णु अवतार लेंगे, जिसका नाम कलगी होगा। तब ये 8 चिरंजीवी भगवान कलगी का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इससे यही मतलब निकलता है कि विभीषण
आज भी जीवित हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें अयोध्या में कब और कैसे देखा गया। आगे जो वीडियो मैं बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटना 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की है। रोजाना की तरह सभी मजदूर अपना कार्य पूरा करने के बाद तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से राम नाम के जाप की ध्वनि सुनाई दी। अभी किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर के अंदर घुसने की अनुमति नहीं है। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर से यह आवाज आ रही हो। तभी सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए, लेकिन सुभाष नाम के एक व्यक्ति को यह बात लगातार खटक रही थी। उसे यह आवाज राम मंदिर से आते हुए ही प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई, आखिर इतनी रात्रि को राम मंदिर के अंदर कौन राम नाम का जाप कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। लेकिन तब सुभाष अकेले राम मंदिर के परिसर में पहुंचा। वह काफी महीनों से राम मंदिर के निर्माण कार्य कर रहा था। उसे राम मंदिर का एक एक दरवाजा, एक एक कोना अच्छी तरह पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था, वे अपने हाथ में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई दिव्य पुरुष हो और किसी पौराणिक समय से आए हुए हूँ। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं जैसा था। सुभाष ये नजारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद सुरेश अपने साथी मजदूरों के पास गया और उन्हें यह पूरी सच्चाई बताई, और यह सुनकर सभी राम मंदिर गर्भगृह में पहुँचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य दृष्टि वहां से गायब हो चुकी थी। क्योंकि रात्रि का समय था और सभी सुभाष की बातों को भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सुभाष जानता था कि जो उसने देखा वह बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि रात्रि के 11 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करने वाले वह दिव्य पुरुष आखिर कौन थे। क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है, जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले हैं हनुमान जी और दूसरे हैं विभीषण। तो पूरी पूरी संभावना यही है कि सुभाष ने जो रात्रि में देखा वह महापुरुष राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित हैं और 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर में चमत्कार कई हो रहे हैं, जहां कई दिव्य शक्तियां भी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए वहां पर आ पहुंची हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।